कुवैत में मजदूरों की आवास वाली इमारत में आग लगने के बाद बिल्डिंग को खाली कराने के बाद मंडी जिला के बल निवासी धनदेव पिछले 16 दिनों से लापता है। बता दें कि बल उपमंडल के बरसू का रहने वाला धनदेव पिछले 7 सालों से कुवैत में मोटर मैकेनिक का काम करता था। समय समय पर धनदेव घर भी आता जाता रहता था। बीते साल पिता के देहांत के बाद 9 माह पहले ही धनदेव काम करने के लिए कुवैत गया था और वहां पर काम कर रहा था। धनदेव के परिजनों ने बताया कि आग लगने के बाद उस बिल्डिंग को कुवैत की सरकार द्वारा खाली करवाया जा रहा था, तो 22 जून को धनदेव ने उन्हें टिकट भेजने की बात कही, लेकिन 24 जून को धनदेव ने फिर से फोन कर टिकट भेजने से इनकार कर दिया और उसी दिन से ही उसका नंबर बंद हो गया। धनदेव से संपर्क न होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनदेव की पत्नी ने बताया कि 24 जून शाम से उनके साथ कोई भी संपर्क नहीं हुआ है, जिससे उनका सारा परिवार चिंता में है। माता मसरा देवी ने कहा कि पूरे परिवार का बोझ धनदेव के सिर पर ही है और कमाने वाला वही इकलौता सदस्य है। परिजनों ने आज सांसद कंगना रनौत से भी मुलाकात करी है और धनदेव को जल्द ही तलाश करने की गुहार लगाई है। 24 तारीख को शाम को बात हुई उनसे, फिर दूसरे दिन से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और पता नहीं चल रहा है अभी कहाँ। वहाँ वो मोटर मैकेनिक का काम करते थे। लास्ट टाइम उनके पिता की डेथ हुई थी, जुलाई महीने में आए थे वो, फिर 2-3 महीने घर में रुके थे और फिर उसके बाद 8-9 महीने हो गए उनको गए। तो उसके पापा एक्सपायर हुए तो वो आया था, उसके बाद वो गया। उसको कुछ पैसा भी लेना था कंपनी से, पहले काम किया था उसने 2-4 साल पहले, तो वो केस है वहाँ पर उसका। तो वकील ने भी बुलाया उसको भी आ जाओ जल्दी, आप घर बैठ गए तो आओगे। तो पापा भी भेजे थे, उसकी फाइल वगैरह उधर रह गई थी, तो हमने बोला रहने दे इधर ही, अब हम अकेला, एक बेटा है मेरा, परिवार है, बच्चे मेरे, रहने दो, अपने जाना बाहर। तो बोलता है मैं पैसा भी लेकर आऊँगा, वहाँ केस किया है तो वो कागज वगैरह मेरे रह गए थे उसमें, टाइम वो आ गया जल्दी से। फिर हमने बोला तू आ जा घर रहने दे, हमने चाहिए पैसा तो घर आ जा। तो बोलता 2-3 ठहरो फिर मैं आपको बोलूँगा, अभी मैं आ जाऊँगा, मैं पता दूँगा आपको। उसके बाद फिर 24 को उसके से बात हुई थी थोड़ी सी बस, फिर 25 को उनको निकाला उन्होंने वहाँ से, पूरी बिल्डिंग खाली कराई उन्होंने, क्या बहुत पड़ा है वहाँ पर गामा। तो उस दिन के बाद फिर उसका फोन बंद ही आ रहा है। आज कितने दिन हो गए 25 को निकाला है, तो आज परेशान है अपना बच्चे, इतने 2-4 बच्चे, उसके 3 बेटियाँ, 2 जवान, तो परेशान है सारे, ना खाने का पता चल रहा है ना कहाँ है वो, कहाँ नहीं पता नहीं है। ऐसा पता चल जाए हमें भी है कहाँ वो, कहाँ रहता है भी है नहीं, अब परेशान है बहुत, कोई उसका पता नहीं चल रहा। वही धनदेव के मामा हंसराज ने बताया कि धनदेव की तलाशी के लिए प्रशासन से लेकर सरकार तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। धनदेव के पास पासपोर्ट, वीजा सहित सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। कुवैत में उनके साथियों ने भी धनदेव की तलाश करी, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार धनदेव की तलाश करने में केवल उनकी मदद कर दे, उनको घर वापस लाने का खर्चा वे स्वयं वहन करेंगे। फोन नंबर इसका व्हाट्सएप नंबर चल रहा था, वो जो इंडिया का नंबर था उसी से बात होती थी, जो वहाँ का नंबर है, जो नेट कनेक्शन वहाँ का है कुवैत का, वो हमारे पास है नहीं। अब आज सांसद महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा अभी उसका वहाँ का नंबर चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। फिर मैं बात कर की वहाँ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्रालय में, वो कह रहे हैं जी उसका वहाँ का नंबर दो, वो नंबर हमारे पास इंडियन नंबर है जिस पर से बात करता था, जो वहाँ का नेट नंबर है वो हमारे पास है नहीं। और जो वहाँ लोकल हमने पता करवाया, जो उसके दोस्त थे वो तो रुपये चले गए वहाँ, बिल्डिंग खाली हुई, वो तो हमें भी पता नहीं वहाँ है नहीं, हमें भी नहीं मिल रहा है, वो लोकल टीम वहाँ है नहीं वहाँ। अब उसका पता नहीं कहाँ है, क्या किस हालत में, क्या अरेस्ट है कि क्या किया है। उसके पास 17 जुलाई का वीजा था उसके पास, अभी वीजा है उसके पास, पासपोर्ट उसके पास है, वीजा उसके पास है, 17 जुलाई वीजा भी है, पर लोकेट नहीं हो रहा है ना, पता लग रहा है उसको कहाँ है। हमारी मांगे हैं उसको जल्दी पता लगाया जाए, उसको घर यहाँ पर लाने का प्रबंध किया जाए, टिकट का हम प्रबंध करेंगे, पर उसका पता लग गया है उसको क्या दिक्कत है, वो क्या दिक्कत है, बाकी खर्चा हम करें, खर्चा कहाँ रह रहा है पता लग जाए, जहाँ जो बात है टिकट की बात हो हम उसके यहाँ से टिकट भिजवा देंगे उसका टिकट। ये हमारी मांग है सरकार से, और हमने DC महोदय से मिले थे, इन्होंने भी वहाँ के जो उसको एप्लीकेशन को दिल्ली भेजा हुआ है विदेश मंत्रालय, फिर इन्होंने DC महोदय ने ऊपर भी भेजा हुआ है होम मिनिस्ट्री को भी हमारे हिमाचल में, वहाँ से भी होम मिनिस्ट्री भी वहाँ चिट्ठी चली गई है, हमारे पास कॉपी है, उन्होंने भी विदेश मंत्रालय भेजी हुई कॉपी। अब वहाँ से आगे क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, वहाँ से उस पर क्या एक्शन हुआ उसका मैं, और हम सारा परिवार परेशान है, उसके 2 जवान बेटियाँ, एक बेटा है, बहू है,
और उसकी घरवाली है, माँ है, सारे परेशान है और एक वही एक आदमी है कमाने वाला, तो इनका वही उसको सारे आश्रित है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाए इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है, सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है, लय और ताल का। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कॉम्पिटिशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले। वेयर फैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाली हिमाचल के टॉप 20 डांसर्स के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाली, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए। विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कंपटीशन की हर अपडेट।